पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूर्य प्रकाश पाल को राज्य सहकारी निर्माण संघ का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद प्रथम बार मुरादाबाद पहुंचे सूर्य प्रकाश पाल का जोरदार स्वागत किया गया। रास्ते में जगह जगह फूल बरसा कर स्वागत हुआ। इसके बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं संग एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी से मुलाकात की गई और सभी का सहयोग का आभार प्रकट किया गया। सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि आज भाजपा सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश और देश का लगातार विकास किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी ने सूर्य प्रकाश पाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया, हमेशा साथ देने की बात कही। इस दौरान सहकारी संघ के चेयरमैन बने सूर्य प्रकाश पाल ने पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दायित्व दिए जाने के बाद मुरादाबाद में प्रथम बार आगमन हुआ, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और उनसे बातचीत कर अच्छा लगा। आया था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा आई थी, उस समय कार्यकर्ताओं से भेंट नहीं कर पाया था। तो आज मन था कि क्योंकि मुरादाबाद का मैं प्रभारी रहा हूँ, मेरे जिले के पास का जिला है, तो उस नाते से कार्यकर्ताओं से आत्मीयता है। महेंद्र गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैं इनका प्रभारी रहा हूँ, इतना इस नाते से इतना मन की एक बार सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था। मंतव्य केवल ये एक पूछे गए सवाल में कहा कि SC ST कानून को कहीं भी कोई विरोध नहीं किया गया, ये विरोध का विषय ही नहीं है। किसी दलित भाई के साथ अत्याचार होता है तो पार्टी ने नियम बनाया है कि दोषी के खिलाफ FIR तुरंत दर्ज की जाए और उसे जेल भेजा जाए। किसी भी सवर्ण ने इसका विरोध नहीं किया। इसमें कोई विरोध का विषय नहीं है, ना कहीं कोई विरोध का विषय मेरे ध्यान में आया है। हमारे कार्यकर्ता सब इस विषय को सहज स्वीकार कर रहे हैं और कार्यकर्ता ये मानते भी नहीं किसी के साथ अत्याचार होता है और हमारे वो दलित भाई जो उनके माता का अत्याचार होता है तो तुरंत FIR और उसमें भी होता है। तो वहीं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि विपक्ष को सिर्फ पेट्रोल दिखता है लेकिन हमारे 4 साल में किए हुए कार्य नहीं दिखाई देते। पिछले 4 साल में जितने भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं उतने 60 साल में किसी ने भी नहीं किए। तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद फरोख्त से बढ़ रही है। क्या है कि आज आप देखें पूरे देश के अंदर विकास का जो रोड मैप तैयार हुआ है, जैसे 60 साल उन्होंने इतना काम नहीं किया होगा जितना हमने 4 साल के अंदर काम किया है, उनको वो नहीं दिखता। अब वो भी तो देखो विकास का काम हमने किया कितना, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं, कितने नई नई योजनाएं आई हैं, नए नए काम हो रहे हैं आज और ईमानदारी के साथ हो रहे हैं। पहले केवल क्या होता था, पहले वो घोषणा करते थे और केवल शिलान्यास करते थे और उसके बाद उसका रुपया कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। आज ईमानदारी के साथ काम होता हुआ दिखाई दे रहा। राम मंदिर पर कहा कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, इसमें कोई भी इफ और बट नहीं है, ये हिंदुत्व का विषय है और राम मंदिर अवश्य बनेगा। भगवान राम की मर्यादा हमारे रोम रोम में बसी है। राम मंदिर तो निश्चित बनेगा, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और क्या ये हिंदू समाज का विषय है, हिंदुत्व का विषय है, हमारे देश की मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम में रोम रोम में हम लोगों में बसी है। निश्चित रूप से भगवान राम का मंदिर बनेगा। इस अवसर पर बैठक में सूर्य प्रकाश पाल राज्य सहकारी निर्माण संघ के चेयरमैन, गोपाल अंजान खादी ग्रामोद्योग उपाध्यक्ष, महेंद्र गुप्ता महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद, राहुल शर्मा महानगर महामंत्री, नथुराम कश्यप महानगर महामंत्री, चंद्र कुमार प्रजापति पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर अध्यक्ष, राजीव गुप्ता मीडिया प्रभारी, अरुण लता रस्तोगी, गिरीश भंडूला, संजय शर्मा, राकेश शर्मा, सोनू विस्तारक, मंडल अध्यक्ष शम्मी भटनागर, नवदीप टंडन, आलोक सैनी, दिनकर गोयल, गौरव श्रीवास्तव, संजय सक्सेना के साथ और भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो कोई हो सकता है ऐसा तो कोई विषय नहीं है, ये सामने बैठे हैं महेंद्र जी, बैठे हैं तमाम लोग हैं, ये अपने ये बैठे हैं, नहीं ये पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, ऐसा मैं नहीं मानता इसका कोई ऐसा कोई बहुत विषय है, ये ऐसा ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई विषय नहीं है।